गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थ्री चैप्टर माइस आर नाइस को पढ़ेंगे। इसका मतलब है चूहे अच्छे हैं। तो इसको किसने लिखा है? ये पोइट का नाम है रोज फैलेमन। तो ये कौन है? इसके पोइट हैं। पोइट कौन होते हैं? जो पोइम को लिखते हैं। जैसे हिंदी में कवि होता है जो कविता को लिखता है, वैसे ही इंग्लिश में पोइट बोलते हैं जो पोइम को लिखता है। तो इसके पोइट हैं रोज फॉलेमन। तो इसको हम पढ़ते हैं। चूहे के बारे में, चूहों के बारे में बताया है। आई थिंक माइस, मुझे लगता है, आर रेदर नाइस, कि चूहे काफी अच्छे हैं। चूहे काफी अच्छे हैं। देयर टेल्स आर लॉन्ग, उनकी पूंछ जो कैसी होती हैं वो लंबी होती हैं। देयर फेसेस आर स्मॉल, उनके चेहरे छोटे होते हैं। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, और उनके पास, उनकी मतलब जो फेस होता है उस पर कहीं भी चिन्ह नहीं होती है। आपने देखा होगा कि उनका मुंह होता है जो आगे आगे को होता है, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं वो चिन्ह, ठोड़ी जिसको बोलते हैं, वो नहीं होती है। देयर ears are pink, और उनके कान जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। their teeth are white, और उनके दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के। they run about the house at night, और वो क्या करते हैं? रात में पूरे घर में दौड़ लगाते रहते हैं। they nibble things, nibble means होता है जो वो छोटे छोटे बाइट करके कुतरते, जिसको बोलते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े करना। तो वो कोई भी चीज हो उसको क्या करते थे? छोटे छोटे वाइट में काट देते, अपने जो उनके साथ दांत होते हैं ना उनसे काट देते हैं। दे निबल थिंग्स, सारी चीजों को काट देते हैं। दे शुडंट, मतलब शुड नॉट टच, और उन्हें टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। एंड नो वन सीम्स, और एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, और किसी व्यक्ति को नहीं लगता कि वो उन्हें बहुत पसंद करते हों, क्योंकि वो हमारा नुकसान कर देते हैं, इसलिए कोई भी उनको पसंद नहीं करता है। वट आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, लेकिन मुझे लगता है कि चूहे काफी अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मैं ये वर्ड मीनिंग दूंगी इसके चैप्टर के, वो आपको जैसे मैंने किया है ना, पहले आप उसको डेट मेंशन करेंगे, डेट मेंशन के बाद चैप्टर नेम, वर्ड मीनिंग और हिंदी। जैसे मैंने नीट एंड क्लीन लिखे हैं, वैसे आप भी अपनी फेयर कॉपी पर नीट एंड क्लीन लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन।